हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम वैशाली फ्रॉम वैशालीज किचन। आपका स्वागत है अमूल के सिंपल होममेड रेसिपीज में। आज फिर एक बार मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जिसमें और एक रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत टाइम के बाद आपके पास। आज तक आपने मोर देन 7000 रेसिपीज़ आपने बना ली है। तो मैं आज डे 1542 में आपका स्वागत करती हूँ। मीन्स इट्स ऑलमोस्ट मोर देन थ्री ईयर्स, मतलब लार्जेस्ट चलने वाली लाइव है अमूल की, राइट। इसमें हम बना रहे हैं, अब बारिश का मौसम है, रिमझिम सी बारिश हो रही है ऑल ओवर आवर कंट्री। तो हम बनाएंगे कुछ चटपटा सा अच्छा सा टेस्टी सा बनने वाला एक स्नैक, तो वो है मोमोज। तो हम बना रहे हैं पनीर मोमोज, लेकिन पनीर मोमोज को हम ऐसे ही रुखा सुखा नहीं खाएंगे। हम इसे सर्व करेंगे एक सॉस में, जो है हॉट गार्लिक सॉस, मतलब चटपटा सा स्पाइसी सा सॉस होगा गार्लिक के फ्लेवर के साथ। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिए हैं कुछ मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें है कैबेज, ऑनियन एंड कैप्सिकम। मैंने ली है फाइनली चॉप की हुई गार्लिक। मैंने ली है जिंजर एंड चिली की पेस्ट। मैंने ली है गार्लिक की पेस्ट। ये मैंने लिया है टोमेटो केचप, ये है विनेगर एंड सोया, एंड हम लेंगे फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर, ओके। और फिर आगे जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मोमोज बनाने के लिए मैंने स्टीमर ऑलरेडी रख दिया है, बिकॉज स्टीमर रेडी होना चाहिए। एंड हमें एक डो लगाना है मोमोज बनाने के लिए, वो है ये डो है। मैंने इस डो में हाफ एंड हाफ होल व्हीट फ्लावर एंड मैदा लिया है। आप चाहे तो ओनली मैदा के साथ भी बना सकते हैं, बट आई वुड से ओनली व्हीट फ्लावर के साथ ना बनाएं, थोड़ा सा इसमें मैदा डालें, जिससे इसके एक जब हम मोमोज बनाएंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा सा उसमें एक ग्लूटेन चाहिए, एक फोल्ड होने के लिए, शेप आने के लिए। तो उसके लिए हम लेते हैं थोड़ा सा मैदा। तो अब ये डो किस तरह से मैंने बनाया है, इसमें डाला है सॉल्ट एंड ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट डाल के, एंड बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा स्मूथ सा डो लगा दिया। ये मैंने हाफ एन आवर पहले डो लगाया है, और इसको हम अच्छे से फिर से एक बार स्मूदन कर लेंगे, जैसे हम हमारे रेगुलर पूरियाँ बनाते हैं उस तरह का ही ये मेरा डो है, ठीक है। अब हमें बनाना है फिलिंग जो मोमो का, उसके लिए हमने लिया है अमूल का मलाई पनीर 100 ग्राम। मैंने सारे इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, ओके। तो यहाँ पे है मेरे पास पनीर, ये अमूल का मलाई पनीर लिया है मैंने। इसे हम ग्रेट करेंगे पनीर को, ये अमूल का मलाई पनीर है, इसे ग्रेट कर लेंगे। आप ओनली वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं, इसमें नूडल्स की स्टफिंग भी ले सकते हैं, इसमें आप वेजिटेबल्स में वेरिएशंस कर सकते हैं, और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ओनली पनीर एंड चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। तो वेरिएशंस बहुत होते हैं मोमोज में, फ्राइड मोमोज होते हैं, ये जो हम कर रहे हैं स्टीम कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स आपको किस तरह के मोमोज पसंद है। ये कॉमनली मार्केट में मिलने वाले मोमोज है, जो आपको आजकल तो रोड साइड में भी मिल जाते हैं, जो स्टीम किए हुए गर्मा गर्म से मोमोज। और कहा जाता है मोमोज नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी, बिकॉज उनकी हाइजीन लेवल हमें पता ही है जो रोड साइड वेंडर्स की। तो आप इस तरह से घर पे बनाइए और बिना किसी टेंशन के अपनी फैमिली को सर्व कीजिए। तो इस तरह से मैंने पनीर को बहुत अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारे वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स जो मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर चॉप किए हैं, अपने चॉपर में मैंने चॉप किए, इलेक्ट्रिक चॉपर में ना करें, हैंड चॉपर में करें। उससे क्या होगा ना कि इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत ज़्यादा फाइन हो सकता है, उसका पाउडर हो सकता है, आटा बन सकता है,
तो हमें क्रंच चाहिए वेजिटेबल्स का। और आप देख रहे हैं मैं इस तरह से इसका फ्राई कर रही हूँ कि जो पानी है वो निकल जाए, ताकि जो हम मोमोज की शेप देंगे तो हमारे डो को वो सॉफ्ट ना करे। बिल्कुल कुछ बूंदें निकल रही है पानी की, बट वो भी हमें निकाल देंगे। यहाँ पे आप ग्रेटेड कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। कैबेज और ऑनियन अपना पानी छोड़ते हैं, तो वही पानी हमें हटा देना है। इक्वल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल एंड पनीर लिया है, आप चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर तो हमने ये ले लिए सारे हमारे वेजिटेबल्स, अब इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। अब सबसे पहले सीजनिंग करेंगे जो है सॉल्ट। हमें मोमोज के अंदर बहुत ज़्यादा सीजनिंग नहीं करनी है, बिकॉज अगर आप सॉसेस वगैरह बहुत ज़्यादा डालेंगे तो हो सकता है कि सॉगी हो जाए। ठीक, बहुत थोड़ा सा सॉय डालूंगी हूँ, वेरी लिटिल विनेगर। और ये है मेरी जिंजर एंड चिली की पेस्ट। ये हमेशा स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक की पेस्ट, और सॉस में हम यूज़ करेंगे चॉप पाउडर। ठीक, यहाँ पे हमें ऐड करना है पेपर्स, पेपर पाउडर अगेन। ये भी स्पाइस ऐड करेगा, तो ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसे हाथ से ही मिक्स कर लूँगी, सो दैट मेरा पनीर एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जो हमारे सॉसेज है वो भी अच्छे से मिल जाने चाहिए, एंड इस तरह से ये सारा मिक्स होके ऐसे बनना चाहिए, लेकिन इसमें से ज़्यादा पानी उबाऊ नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। हमारी स्टफिंग में अच्छी बाइंडिंग आ गई है, तो अब हम हमारे मोमोज को पहले शेप करेंगे। मोमोज के लिए हम ले लेंगे हमारा डो, जिसे हमने थोड़ा सा स्मूदन भी कर दिया है। इफ यू गुड एट इक्वल शेप्स, लाइक इक्वल बॉल्स बना के इक्वल कूडीज आप बना पाते हो तो गुड, वरना आप उसे एक बड़ी सी रोटी बना के किसी कटर से कट करके इक्वल पार्ट में बना सकते हो। छोटे छोटे इस तरह से बॉल्स बना देंगे, तो सी इफ इट इज प्रॉपरली विजिबल। आई एम प्रॉपरली विजिबल एंड ऑडिबल। कोई क्वेश्चन भी है आपका तो आप पूछते रहिए, इट विल बी माई प्लेजर टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक, तो हमने ये कुछ टूलियाँ बना ली है, अब हम क्या करेंगे अच्छे से इसे रोल आउट कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हम हमारे कूड़ीज बनाते हैं उसी तरह से। हम सारी कूड़ीज को रोल आउट कर लेंगे। हम कूड़ीज को रोल करते हैं यहाँ पे रख लेते हैं, एंड देन साथ ही साथ शेक करेंगे सबको। एक तरफ हमारा स्टीमर में पानी भी बॉईल हो रहा है, स्टीमर पहले ही बॉईल करने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इडली स्टैंड में भी इसे बना सकते हैं, एक एक इडली के कैविटी में आप एक एक मोमोज रख के भी स्टीम कर सकते हो। इसे 15 to 20 मिनट स्टीम करना है अच्छे से। अगर आपकी फ्लेम अच्छे से हाई है तो 10 to 12 मिनट्स में भी हो जाएंगे। एंड फ्राइड मोमोज करने हैं तो आप इस आटे में ऑयल थोड़ा अच्छे से डालिए, ताकि उसका जो आउटर लेयर है वो चुई ना हो। अभी बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं करना है, वरना हम इसे शेक नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल पूरी के जैसे सॉफ्ट एंड स्मूथ डो रखना है। तो हमने बहुत ही अच्छे से
इसकी पूरिया बना ली है। अब हम क्या करेंगे, हर एक में सेंटर में इस तरह से इसमें हैंड विजिबल, इस तरह से सेंटर में बहुत अच्छे से स्टफिंग रखेंगे एंड फिर इसे शेप करना है। आप देखिए, अगर आप लेफ्टी है तो पूरी को लेफ्ट राइट हैंड में रखती है, राइटी हूँ मैं तो मैंने लेफ्ट पे रखा हुआ है। अभी एक जगह से इसे पिंच करना शुरू करेंगे। ये हमने एक पिंच कर लिया, अभी छोटे 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 से इसी तरह से हमें इसे पिंच करते रहना है और ये हमारा जो स्टफिंग है इसे प्रेस भी करते रहेंगे। हम स्टफिंग को अच्छी तरह से अंदर प्रेस कीजिए और चारों तरफ से पिंच करते हुए इस तरह से आ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस तरह से हो गया और ये जो सेंटर है हमारा अच्छे से इस तरह से रेडी हो गया। अभी हम बाकी के मोमोज को भी इस तरह से शेप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ये बीच में रख दिया एंड देन इस तरह से छोटा छोटा पिंच करेंगे और साथ ही साथ हम हमारे स्टफिंग को अंदर प्रेस करते रहेंगे ताकि ये जो कैविट इस तरफ बन रहा है ना पॉकेट, उस पॉकेट में ये स्टफिंग अच्छे से प्रेस डाउन होते रहे। और ये जो अंगूठा मैंने बीच में रखा है वहाँ पे हमें एक अच्छा सा शेप मिल जाएगा। तो ये ओके, तो इस तरह से मोमोज के शेप देना। बहुत अलग अलग तरह से शेप किए जाते हैं मोमोज। ये एक सॉस के साथ हम बना रहे हैं तो सॉस में जब डिप करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सिंपल से आपको दिखा देती हूँ। ये अच्छे से इस तरह से हमने रख दिया, इसको ऑपोजिट साइड में लेके इसके पूरे साइड अच्छे से हमने बिल्कुल पिंच करके स्टिक कर देने हैं एंड फिर ऐसे ये जो दो साइड है इन्हें इस तरह से मिला के इस तरह से भी आप इसे शेप कर सकते हैं। फिर टोटली डिपेंड्स आपको किस तरह का शेप पसंद है। ये जो सेकंड वाला मैंने शेप दिखाया वो बहुत ही इजी है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो अगर आपको फटाफट झटपट से करना है तो वही शेप आप दे सकते हो। आप यहाँ पे कॉर्न यूज कर सकते हैं, कैरेट यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा ऐसे हेल्दी बनाने के लिए थोड़ी सी स्पिनच भी ऐड कर सकते हैं। पालक पनीर मोमोज हमारा इंडियन टच भी दे सकते हैं इसे। मोमोज की मेरी एक पूरी वर्कशॉप है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोमोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स सारे मैं सिखाती हूँ। अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, लाइव होते हैं ऑनलाइन क्लासेस, कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होते। ओके, तो हमारे ये 6 to 7 मोमोज जो हमारे रेडी हो गए हैं इन्हें हम स्टीमिंग के लिए रख देते हैं। नाउ स्टीम करने के लिए जो स्टीमर मेरा ऑलरेडी पानी बॉयल हो रहा है बहुत अच्छे से, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर इस तरह से जाली वाला बर्तन रखा है, नीचे एक मैंने रिंग रखी है सो दैट बाय एनी चांस मेरा ये जो परफोरेटेड रिंग है नीचे नहीं जाए, ये जो छलनी है नीचे ना जाए। मैं थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे डालूंगी जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि मेरे मोमोज अंदर स्टिच ना हो जाए। इसे ब्रश कर देती हूँ, ऑयल ब्रश कर दिया है। अब ये मोमोज रहेंगे स्टीमिंग के लिए। इसकी लेयर हमें बहुत ध्यान से रोल करनी है, बहुत ज़्यादा थिक होगी तो कुक होने में टाइम लगेगा एंड बहुत ज़्यादा थिन होगी तो फट सकती है। राइट, ये हो गए। ऐसे फास्ट पे ही हम रखेंगे
कुक होने देंगे, आफ्टर 10 मिनट्स हम इन्हें चेक करते हैं। नाउ वी कम टू आवर सॉस। सॉस के लिए मैंने ये कुछ कश्मीरी चिलीज एंड टोमेटोज इस तरह से ब्लांच करके रखे हैं। आप देख पा रहे हो अच्छे से ब्लांच हुआ है ना, तो सिर्फ टच करने से इसकी स्किन निकल जाती है ना, तो हम इसकी स्किन हटा लेंगे टोमेटोज की। मैंने यहाँ पे 7 to 8 रेड चिलीज ली है, कश्मीरी चिली, एंड 3 टोमेटोज ली है मीडियम साइज। कोशिश करेंगे कि चीज में से भी मोस्ट ऑफ इसके सीड्स वगैरह निकल जाए, तो थोड़ा सा इसमें से पानी एंड सीड्स निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ रहने भी लेंगे बिकॉज हमें इसे स्पाइसी बनाना है, तो स्पाइस के लिए हम थोड़ा सा चिली पाउडर भी ऐड करने वाले हैं। ये पानी हम रहने देंगे क्योंकि जब ग्राइंड करेंगे तो अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम यही पानी यूज़ करेंगे। अब मैं मेरे मिक्सर ग्राइंडर में ले लूँगी टोमेटोज को चॉप कर लेंगे। वन बाय फोर कट करेंगे टोमेटोज को, चीज ले लेंगे सारे। प्लीज बेयर द साउंड, मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से हमें फाइन पेस्ट करनी है, इसलिए मैंने पहले ही ब्लांच करके रखे थे सो दैट ठंडे हो जाए। ठंडे होने के बाद ही हम इसे पीस पाएंगे। तो थोड़ा सा पानी लेके फिर एक बार इसे घुमा दूंगी। तो आप पेस्ट इज डन। हम ले लेंगे एक बोल एंड छलनी और ये सारी पेस्ट इसमें निकाल देंगे एंड इसे स्ट्रेन कर लेंगे सो दैट अगर टोमेटो के कोई छिलके रह गए हैं, चिली के सीड्स रह गए हैं तो निकल जाएंगे। यही जो पानी था जिसमें हमने सारा ब्लांच किया है उसी पानी के साथ थोड़ा सा मिक्सर को भी जार को भी क्लीन कर लेंगे सो दैट कुछ भी वेस्ट ना हो। जो लीड में भी लगा है वो भी सारा हम निकाल लेंगे। स्ट्रेन करेंगे इसे, बहुत अच्छी से स्ट्रेन करना है सो दैट सारा जो पल्प है चिली एंड टोमेटो का वो हमें मिल जाए। ये स्ट्रेनिंग में करके रख सकती थी बट आई वांटेड टू शो यू किस तरह से ब्लांच किए हुए टोमेटोज हमारे दिखने चाहिए। इट टुक मी 10 to 15 मिनट्स ब्लांच करने में और टोमेटो को एक स्लिट लगा दी थी पूरे टोमेटो को ही उसके टॉप पे एंड देन उसे रख डाल दिया था बॉइलिंग वाटर में चिलीज के साथ। ये जो टोमेटो के सीड्स है, चिली के सीड्स है, टोमेटो का छिलका है वो सब ऊपर रह जाएगा, उसे फिर हम डिस्कार्ड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ले लेंगे इसमें और एक बार इसे भी अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। ये हमारा पल्प चिली एंड टोमेटो का रेडी है। अब हम सॉस बनाने के लिए गैस ऑन कर लेंगे।
बहुत ही अच्छे से हमारे मोमोज कुक हो रहे हैं। ये पैन मैंने ऑन कर दिया। यहाँ पे हम लेंगे बहुत ही थोड़ा सा ऑयल, जिसमें हमें गार्लिक को सौते करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे, नहीं तो हमारी सॉस ऑयली हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो मैंने गार्लिक ली थी चॉप की हुई, वो लेंगे। बहुत ही अच्छे से गार्लिक लेनी है। साथ ही साथ हम लेंगे थोड़ी सी गार्लिक की पेस्ट, जिंजर एंड चिली पेस्ट। ये सब अच्छे से कुक करना है, गार्लिक को बहुत अच्छे से कुक करना है। गार्लिक का कच्चापन निकाल देना है। कच्ची गार्लिक सॉस में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। नमक डालेंगे हमारी चिली, सबसे पहले हम डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट, थोड़ी सी पेपर पाउडर डाल देंगे। साथ ही साथ मैंने लिया है 1 tablespoon ऑफ टोमेटो केचप, डाल देंगे। टोमेटो केचप अगर नहीं डालना है आपको तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिए। थोड़े से टैंगी टेस्ट के लिए हम डालेंगे 1 teaspoon ऑफ विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट, ये इधर चाइनीज वाला एग, ताकि ये सब अच्छे से हम मिला लेंगे। बहुत अच्छे से कुक होने देंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूंगी चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी हमने ली है, कश्मीरी होल चिलीज। और ये जो चिली पाउडर भी मैंने ऐड किया है वो भी है मेरा कश्मीरी एंड बेडगी का मिक्स। इसे अच्छे से कुक होने देंगे, अच्छा थिक क्लस्टर आने देंगे। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी। बिल्कुल 1 teaspoon ऑफ कॉर्नफ्लोर लेना है, जिसमें 2 teaspoon पानी मिला के उसे अच्छे से, जब ये हमने सारा टोमेटो, ये जो चिली और टोमेटो की प्योरे डाली थी उसी वक्त उसके साथ ही ऐड कर देंगे। अब देख पा रहे हो बहुत ही अच्छा सा सॉस हमारा रेडी हो रहा है। जस्ट टेस्ट इट फॉर सॉल्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टोमेटो केचप, मुझे स्वीटनेस कम लग रही है तो, और 1/2 tablespoon जितनी टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। और साथ ही साथ हम हमारे मोमोज भी चेक करेंगे। इट ऑलमोस्ट 10 minutes। टोमेटो केचप से क्या होगा ना, एक स्वीटनेस तो मिलेगी बट एक ग्लेज एंड एक बाइंड आ जाएगा, एक थिकनेस आ जाएगी आपके, बिकॉज टोमेटो केचप में ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर है ही, तो उससे एक थिकनेस आपके सॉस को यूज है। आप देख पा रहे हो अभी थोड़े से मुझे कच्चे लग रहे हैं,
और हम इसे होने देंगे 5 मिनट्स के लिए। देख पा रहे हैं सॉस भी इतने अच्छे से रेडी हो गई है। इसमें गार्लिक दिख रही है जो जब आप मोमोज के साथ सर्व करेंगे तो बिल्कुल बाइट में आएगी, तो बहुत अच्छी लगने वाली है। हमारा सॉस रेडी हो गया है, इसलिए कैसे पता चलेगा आपको देखो, ये बिल्कुल कलर इसका ब्राइट हो गया है रेड, एंड इसमें एक थिकनेस आ गई है और ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के स्लिप हो रहा है। तो हमारी सॉस रेडी, हम गैस को कर देंगे ऑफ एंड सॉस को निकाल लेंगे एक बोल में। तो इसी में हम हमारे मोमोज को अगेन एक बार सॉस के साथ स्टर करेंगे। अगर ये मैदा होता तो ये आपको ब्राउनिश नहीं दिखते, तो ये आपको बिल्कुल वाइट लगते। और ये मैदा होता तो बिकॉज इसमें व्हीट फ्लावर है, ये आपको ब्राउनिश कलर लगना है। तो ये जो ब्राउन हमने मोमोज लिए है उन्हें हम सर्व कर देंगे हमारे सॉस में। एक बार अगर मैं मेरा गैस ऑन करूँगी और यहाँ पे मैं ले लूँगी सॉस बिल्कुल 1 स्पून, इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। यहाँ पे हम ले लेंगे हमारे मोमोज, इन्हें उल्टा पलटा करके अच्छे से सॉस में कोट करना है। बाकी के मोमोज को स्टीमर में ही रहने देंगे। ये जो सॉस है उसमें अच्छे से इन्हें कोट करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होगा एक बटरी सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, इन्हें हम डायरेक्ट ले लेंगे हमारे सर्विंग प्लेट में, थोड़ा सा को खोल लेंगे हम सॉस के साथ, सॉस का फ्लेवर अच्छे से बैठ जाए। सारा सॉस भी पोर कर देंगे हम मोमोज के ऊपर। इस तरह से हमारे मोमोज इन हॉट गार्लिक सॉस रेडी है। आप चाहे तो इन्हें वो ही सॉस के साथ ही सर्व कर सकते हैं। सॉस ले लें एक बोल में। दो तरह से हमारे मोमोज रेडी है, ये है सॉस के साथ हॉट गार्लिक सॉस में देखते हुए, ये है हमारी सॉस जो हमने अभी प्रिपेयर की थी, और ये है हमारे प्लेन मोमो। मैं एक मोमो आपको शोर के दिखाना चाहूँगी।
बहुत ज़्यादा गर्म है सी। इस तरह से ये अंदर स्टफिंग है, अगर कैरेट वगैरह होती तो थोड़ी कलरफुल दिखती। सिर्फ इसमें कैप्सिकम एंड कैबेज एंड पनीर है, तो सब कुछ वाइट शेड पे जा रहा है। तो ये हमारी मोमोज रेडी है टू सर्व। ठीक, तो इस तरह से आप मोमोज बनाइए अपने घर पे एंड खाइए, खिलाइए अपने फैमिली को। एंड मेरा पेज है फेसबुक पे वैशाली किचन के नाम से, फेसबुक एंड इंस्टा दोनों पे ही मेरा पेज है। उस पे जाके अपने रिव्यूज़ बताइए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टा एंड फेसबुक पे। ओके, सो हियर वी आर विथ मोमोज डन। थैंक यू, सी यू सून अगेन, बाय।